जय श्री काल भैरव। मैं डॉक्टर श्री तारामणि भाई जी आज आपके समक्ष लक्ष्मी से संबंधित एक बहुत तीव्र साबर मंत्र का एक प्रयोग एक अनुष्ठान के रूप में आपको प्रदान करने वाला हूँ। बहुत ही ध्यान से और बहुत गंभीरता से इस मंत्र को लें, क्योंकि कोई भी मंत्र गुरु मुख से ही लेना चाहिए और दीक्षा के उपरांत ही बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। तो जो दीक्षित हैं वो अपने गुरु मंत्र का जो मेरे द्वारा दिया हुआ है उसका एक माला 10 माला जाप करें, उसके बाद इस मंत्र का संकल्प लेके 125,000 मंत्रों का अनुष्ठान इस नवरात्रि पर शुरू कर दें। और इस मंत्र के प्रभाव से आप देखेंगे लक्ष्मी का आगमन होना शुरू हो जाएगा और इसके आगमन के प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखाई देंगे आपको। बहुत सारे रुके हुए कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे। कहीं अगर रुका हुआ है पैसा तो उसके आने की संभावनाओं से संबंधित बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। उसके पश्चात अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई किसी ऐसी स्थिति में है जहाँ पे आपका बिजनेस बहुत चल नहीं रहा है, बहुत रुका हुआ है, तो इस मंत्र के 125,000 मंत्रों से अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो उसमें भी बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, परिस्थितियाँ बदलना शुरू हो जाती हैं, लक्ष्मी कृपा आना शुरू हो जाती है। क्योंकि नवरात्रि 9 दिन पूरा का पूरा शुभ है, पूरा चेतन है, इसमें इस मंत्र का अगर आप करेंगे तो इसके प्रभाव बहुत ही चमत्कारिक रूप से मैंने अपने कुछ विशेष शिष्यों को कराए हैं, जो मैं आज अपने एक अच्छे शिष्य के रिक्वेस्ट से मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें जो मंत्र है वो साबर मंत्र है और साबर मंत्र की एक खासियत है कि वो जागृत होता है, और ऐसे मौके पे, ऐसे शुभ अवसर पे अगर ये करते हैं इसको तो उसके प्रभाव निश्चित रूप से दिखते हैं। आपको मैं मंत्र बताता हूँ। विष्णु प्रिया लक्ष्मी शिव प्रिया सती से प्रकट हुई, कामाक्षा भगवती आदि शक्ति युगल मूर्ति महिमा अपार, दोनों की प्रीति अमर जाने संसार, दुहाई कामाक्षा की आय बढ़ा व्यय घटा, दया करमाई ओम नमः विष्णु प्रियाय, ओम नमः शिव प्रियाय, ओम नमः कामाक्षाय, ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र को आप अगर 125,000 करते हैं, इसमें आप धूप दीप नैवेद्य गणेश पूजन इत्यादि करके आप जब पूजन करना शुरू करेंगे तो उससे पहले आप अपने गुरु मंत्र का पाठ करें, उसके बाद गुरु से आज्ञा लेके अवश्य करें, मानसिक रूप से पूजन बैठें, गुरु से आज्ञा लें, भगवान भैरव से आज्ञा लें और उसके बाद इस मंत्र का जाप आप 125,000 करें, भोग में मिष्ठान इत्यादि रखें, सफ़ेद खीर का प्रसाद जरूर बनाएं। और जब ये पूर्ण हो जाए, चाहे ये नवरात्रों में पूर्ण हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा नवरात्रों में सवेरे रात अधिक से अधिक इसका जाप करना शुरू कर दें। 125,000 मंत्रों का आप संकल्प ले लें कि अपनी जो भी समस्याएं हैं उसको बोलते हुए उसकी मुक्ति हेतु, ऋण मुक्ति हेतु, किसी प्रकार की जो आर्थिक कमजोरी है उससे मुक्ति हेतु आप संकल्प लेके इसको जाप करना शुरू कर दें तो इसके निश्चित रूप से प्रभाव आपको दिखाई देंगे ही देंगे। और इससे संबंधित अगर आपको कुछ भी प्रश्न हो, जैसे लाल आप आसन यूज़ करें, लाल वस्त्र पहनें और सत्य बोलें, कम से कम लोगों से बात करें, सिर्फ अपनी साधना पर ध्यान दें, इससे संबंधित कोई भी आपके पास प्रश्न हो मुझसे सीधे नंबर पर संपर्क कर लें, 9919935555 पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल दोनों से, समय देख के कॉल करें कृपया। और इससे संबंधित आप सवेरे और रात्रि दोनों समय मिला के आप इसका जाप पूर्ण कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और इस जो एक प्रकार से इसको अमोघ मंत्र में बोल सकता हूँ जिसकी कोई काट नहीं हो सकती है, इसका पूर्ण लाभ लें। इसमें हवन का जो विधान है उसमें आप 125,000 का दशांश करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको 11 माला हवन करना है और वो भी गुलाब के फूलों को घी में भिगो के और उससे आपको हवन करना है। अगर आप चाहें तो अपने संबंधियों मित्रों के साथ भी इस साधना को साझा कर सकते हैं ताकि वो भी इस साधना का लाभ लें। जय श्री काल भैरव। उस सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, श्री भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आप अपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20-20, 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है।